नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष लुनिया और आप देख रहे हैं अल्टरनेट सिविल। दोस्तों, 90% घरों की छत के ऊपर पानी भरा हुआ रहता है। पानी भरा हुआ रहता है, इससे मेरा मतलब है कि दोस्तों पानी बाहर जा नहीं पाता, वह पानी छत के ऊपर ही भरा रहता है। इसका कारण है दोस्तों, आपकी छत बैठ गई है, यानी कि दोस्तों आपकी छत डैमेज हो गई है और वो बीच में से बैठ गई है, जिसके कारण आपकी घर के छत के ऊपर पानी भरा हुआ रहता है। दोस्तों आप ये बोलोगे कि हमें तो पता ही नहीं है, हमारी छत बैठ गई है, लेकिन दोस्तों यही सत्य है, क्योंकि आपकी छत एकदम से नहीं बैठती है। दोस्तों छत बनने के बाद में आपका हाउस, आपका घर बनने के बाद में करीबन 4-5 साल बाद में आपकी छत में ये फर्क आ जाता है कि आपके घरों के छत के ऊपर पानी भरा हुआ रहता है, वह छत डैमेज होके बीच में से बैठ जाती है और वहाँ पे पानी भराना शुरू हो जाता है। इसके बारे में क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है, या आपने कभी गौर किया है कि हमारी घर की छत बैठी है या नहीं है? सबसे पहले इसके प्रॉब्लम की बात कर लें, फिर उसके बाद में इसके सॉल्यूशन के बारे में भी बताऊंगा। आपके घरों की छत के नीचे जहां आपका कलर पेंट रहता है, क्या वहां पर आपके छत में क्रैक, बाल क्रैक दिख रही हैं, या आपके घर के जो कमरा है या हॉल है उसके बीच में पानी भराना शुरू हो गया है? अगर है तो दोस्तों आपके घरों की छत डैमेज है और आपका छत बीच में से बैठ गया है। दोस्तों इससे डरने की बात नहीं है, क्योंकि आपका छत गिरेगा नहीं, लेकिन ये डैमेज होते होते दोस्तों क्रैक का रूप ले लेती है और यहाँ से फिर सीपेज आना शुरू हो जाता है, फिर आपका वहाँ से पानी आना शुरू हो जाता है बारिश का। अब हम बात कर लेते हैं इसके सॉल्यूशन की, कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए जो ऐसी प्रॉब्लम ना आए। दोस्तों अब सवाल पैदा होता है कि इन सभी समस्याओं से हम कैसे बच सकते हैं। दोस्तों समस्या से बचने के लिए आप जब भी छत डलवाते हैं या डलवाने वाले हैं, या कभी भी आपके सामने कहीं भी छत डलता है, दोस्तों ये नॉलेज आपके बहुत ही काम आने वाला है, वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों छत डलवाती समय जब भी आपका सरिया बंधता है, तो दोस्तों ज़्यादा डिस्टेंस पे सरिया बंध जाने के कारण आपकी छतें बैठ जाती है। सबसे पहला कारण है कि ज़्यादा डिस्टेंस पर सरिया बंध जाने से आपकी छत बैठ जाती है। दोस्तों छत का सरिया कितने डिस्टेंस पर बांधना है? दोस्तों मेरी सलाह है कि छत का सरिया हमेशा 5 से 5.5 इंची सेंटर पर ही बांधे, क्योंकि दोस्तों कम डिस्टेंस पर जो सरिया बनता है वह उसकी ताकत उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों यहाँ पर एक गलती और कर देते हैं कि जब भी हम छत डलवाते हैं तो वहाँ पर हम कोड बीम नहीं देते हैं, यानी कि दोस्तों कोड बीम, अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो बहुत लोग इसे हाइड बीम भी बोलते हैं, जो छत की कॉन्क्रीटिंग के अंदर ही डलता है, वो नहीं डलवाते हैं। अब उसे हमें डलवाना कहाँ है? दोस्तों जहाँ भी हमारा हॉल एरिया हो गया या कम बेडरूम एरिया हो गया, उस जगह पर हमें कोड बीम हमें डलवाना है। बहुत से लोग यहाँ पर कोड बीम नहीं डलवाते हैं, लेकिन दोस्तों कोड बीम का काम होता है, जिस प्रकार आपके शरीर में रीढ़ की हड्डी है उसी प्रकार यहाँ पर कोड बीम है। आप इससे समझ सकते हैं कि कोड बीम का काम क्या होता है। दोस्तों कोड बीम हमें हमेशा ही 12 mm की 6 रॉड का बनवाना है, जिसके रिंग की डिस्टेंस हमें रखना है 4 इंची। दोस्तों बहुत से लोग इसे 6 इंची भी बांधते हैं, 5 इंची भी बांधते हैं, लेकिन दोस्तों मैं सलाह दूंगा केवल 4 इंची की। यहाँ पे रिंग में ज़्यादा हमारा सरिया वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों अगर हम 10 फीट भी कोड बीम बांधते हैं तो खूब से खूब हमें 4 इंची पर बांधेंगे तो हमें 3 या 4 रिंग हमें अरे एक्स्ट्रा लगेगी, लेकिन दोस्तों कम डिस्टेंस पर हमें रिंग बांधेंगे तो इसकी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि दोस्तों जितनी रिंग की साइज हम डिस्टेंस हम बढ़ाते आएंगे और बीम की ताकत उतनी ही कमज़ोर होती जाएगी। इसलिए दोस्तों हर कमरे में और हर हॉल में,
हमें एक कोड बीम देना है, यानी हाइट बीम देना है जो कॉन्क्रीटिंग के अंदर ही दब जाए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में। दोस्तों छत में सबसे हमारी इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है कॉन्क्रीटिंग। अगर कॉन्क्रीटिंग ही हमारी अच्छे से नहीं डली है तो हमारी छत आज नहीं तो 5 साल बाद, नहीं तो 8 साल बाद हमारी छत डैमेज होना है और हमारी छत में से पानी आना है। अब हमें छत कैसे डलवाना है? दोस्तों कॉन्क्रीटिंग को डलवाने के लिए तो सबसे पहली चीज़ हम ये गौर करेंगे कि हमेशा कॉन्क्रीटिंग का माल में हमारे पानी की मात्रा अधिक नहीं होना चाहिए। दोस्तों पानी की मात्रा कम से कम होना चाहिए और कॉन्क्रीटिंग के ऊपर हमारा बायरवेटर यूज़ होना चाहिए। दोस्तों बायरवेटर क्या है कि हमारी जो कॉन्क्रीटिंग है वो पूरी ठोस बना देता है, यानी कॉन्क्रीटिंग के अंदर का जो पानी है वो निकाल के बाहर कर देता है। लेकिन दोस्तों ये तभी हो पाएगा जब आपके कॉन्क्रीटिंग में पानी की मात्रा कम होगी और गिट्टी की मात्रा अधिक होगी। दोस्तों गिट्टी की मात्रा अधिक होने से हमारी कॉन्क्रीटिंग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है और बायरवेटर उस पर लगने से कॉन्क्रीटिंग और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अगर दोस्तों इन्हीं सभी चीज़ को आप अप्लाई कर लेंगे या इसी चीज़ को अपना लेंगे तो आपके घर की छत कभी भी नहीं बैठेगी, इस चीज़ की गारंटी है। दोस्तों यही थी एक इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ शेयर करना चाहता था। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर दोस्तों मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो और आप देखते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। फिर मिलता हूँ फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।